रहा है, एनिमीज ऑफ इस्लाम के बारे में इन लोगों का नाम ले रहा है, तो तुम हिंदुओं को काफिर क्यों बोल रहे हो? तुम्हारे कुरान ने नहीं बोला। पूरी दुनिया को यह बताने की कोशिश की है कि मुसलमान औरतें बहुत ही आवारा और बच्चलन होती हैं, जो अपने पीरियड्स का इंतजार करते रहती हैं कि पीरियड्स होगा और हम सेक्स करेंगे। क्या हम ऐसे हैं? उसके हस्बैंड उसके साथ ब्लो जॉब करते थे, मुस्लिम। उसका यहाँ पर मैंने स्टिचेस करवाए थे डॉक्टर्स को बुला करके। भैया जाग जाओ, मुसलमानों जाग जाओ। बीवी से शादी कर लिया तो क्या हम में से कोई भी बच्चा अडॉप्ट नहीं कर सकता है? कई ऐसी महिलाएं हैं जिनको बच्चा नहीं होता है, कई ऐसी औरतें हैं जो किसी डिजीज की वजह से, किसी परेशानी की वजह से बच्चा नहीं पैदा कर पाती हैं। मैं अपने बारे में बात कर देती हूँ कि मैं इतने ज्यादा काम में बिजी रहती हूँ कि मैं दूसरा बच्चा पैदा करने के बारे में, और मेरे पास पति नहीं है, शौहर नहीं है, काबिंद नहीं है, पर मुझे शौक होता है कि मैं एक बच्चा अडॉप्ट कर लूं, तो मैं इस्लाम के दायरे की वजह से बच्चा अडॉप्ट नहीं कर पा रही हूं। तो अगर एक कानून मुझे इस चीज की अनुमति देता है कि मैं बच्चा अडॉप्ट कर सकूं, किसी गरीब का बच्चा मैं गोद में उठाकर ले आऊं, कोई बच्चा जो अनाथालय में रह रहा है, जिसके पास माँ बाप नहीं है, परिवार नहीं है, अच्छी अच्छी जिंदगी नहीं है, मैं उसको उठा करके मैं उसको अच्छी जिंदगी दे दूं, अपना नाम दे दूं, तो ये कौन सा गुनाह है भाई? कैसा इस्लाम है ये, जो जो इंसानियत इंसानियत को दिखाने से भी हमें पीछे फेंकता है? कौन सा इस्लाम है ये? तो मुझे लगता है कि ऐसा कानून बहुत अच्छा है। अब बात आती है एज ऑफ मैरिज की। भाई मुसलमान पुरुष जितने भी हैं, मौलवी, मुल्ला, असदुद्दीन अवैसी, उनकी गैंग और ये पाकिस्तान के मुसलमान औरतों को टकटकी लगाकर देखते रहते हैं। ओ बड़ी हो गई, ओ अच्छा इसका शरीर बढ़ गया, ओ इसको तो पीरियड्स हो गया, अब तो इसका निकाह हो जाना चाहिए और हमें सिर्फ इसको बिस्तर पे इस्तेमाल कर लेना चाहिए। तो अगर एज ऑफ मैरिज एक मैच्योरिटी पर जा रहा है एक कानून के द्वारा, तो मुझे लगता है कि बुरी बात तो नहीं है। औरतों का अधिकार है भाई, उनको उनको बचपन 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 का एक सिनेरियो, उनको मजा लेने दो, जवानी का लेने दो, उनको पढ़ने दो, उनको समझने दो, उनको अपने आप को समझने दो, उनको उनको शिक्षा हासिल करने दो। शादी तो होनी ही है, बच्चे तो पैदा होने ही है, लेकिन क्या क्यों ऐसा है कि भाई पीरियड्स होगा और शादी कर दो? क्यों हम इतने आवारा और इतने बेबहरा है कि हम इंतजार करते रहते हैं कि भाई पीरियड्स हमारा होगा और हम सेक्स कर लेंगे? हम इतने कैरेक्टरलेस हैं? मतलब मुसलमान कौम ने हमेशा पूरी दुनिया को यह बताने की कोशिश की है कि मुसलमान औरतें बहुत ही आवारा और बच्चलन होती हैं, जो अपने पीरियड्स का इंतजार करते रहती हैं कि पीरियड्स होगा और हम सेक्स करेंगे। क्या हम ऐसे हैं? हम ऐसे तो नहीं है भाई। सनातन धर्म तो कहता है कि औरत घर को घर बनाती है। औरत अगर घर में होती है तो घर स्वर्ग लगता है। बुजुर्ग और औरत अगर घर में होती है, बच्चे घर में होते हैं, तो घर 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 को स्वर्ग माना जाता है, ये सनातन धर्म बोलता है। तो आप ऐसी अफवाह क्यों उड़ा रहे हैं सर पे दाढ़ी टोपी रख करके कि मुसलमान औरतें और लड़कियां अगर पीरियड्स के बाद निकाह ना पड़े तो वो किसी के साथ भी जाकर सेक्स कर लेंगी? हम इतने ऐसे तो नहीं है, हमारा चरित्र ऐसा तो नहीं है। अब मैं आपको बोलती हूं कि देखिए इस्लाम क्या कहता है। इस्लाम में औरत सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है। अगर इस्लाम इस्लाम के हिसाब से हम जो अब तक चल रहे हैं, हमें सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बना करके रखा गया है। सूरह अन-निसा 8:277 क्या कहता है? वो औरत, ये प्रॉफिट मोहम्मद कह रहे हैं कुरान में, वो औरत जो जो लीडरशिप करती है, वो देश, वो कंट्री, वो घर बर्बाद हो जाता। तब बर्बाद नहीं हुआ? अब हमें हम औरतों के आइडेंटिफिकेशन पर आप क्वेश्चन मार्क लगा दे रहे हैं, हमारे चरित्र पर आप उंगली उठा दे रहे हैं। हम बर्दाश्त करेंगे? अब नहीं बर्दाश्त करेंगे। अब मैं आपको बताती हूं, सूरह अन-निसा प्रॉफिट मोहम्मद कहते हैं कि वो औरतें जो परफ्यूम लगा करके बाहर निकलती हैं, उनकी मौत के बाद उनको प्रोस्टिट्यूट की नजरों से देखा जाएगा। हाँ, परफ्यूम लगाना तो एक नाजायज चीज है, बात ठीक आप कह रही हैं। आज के जमाने के मॉडर्न विमेन में आप इस चीज क्या करें, क्या करें शाला, एक मिनट, क्या करें? सुसु लगाकर निकले, पोटी लगाकर निकले, गोबर लगाकर निकले, क्या करें भाई? एक इंसान, मैं अपने बारे में बात करती हूँ, मैं आपके भी बारे में बात करूंगी, मैं अपने बारे में, हम दो लोग यहाँ पर बैठे हैं, मैं अपनी अपने बारे में बात कर रही हूँ। मैं सुबह 9:30 निकलती हूँ, कोर्ट जाती हूँ, पब्लिक गैदरिंग में जाती हूँ, पॉलिटिकल मीटिंग करती हूँ, चैम्बर में बैठती हूँ, भाई पसीना निकलता है, हम पसीने में भीग सकते हैं, सामने वाले को गंध आ सकती है, तो परफ्यूम स्प्रे करते हैं,
तो उससे मैं प्रोस्टिट्यूट हो गई। आप रोड शो करती हैं, आप हजारों लाखों लोगों के भीड़ में जाकर के आप पसीने पसीने हो जाती हैं, मैंने कई बार देखा है कि आप अपने बाल बाल भी बांध लेती हैं, तो क्या आप प्रोस्टिट्यूट हो गई अगर आपने इत्र और परफ्यूम लगा लिया तो? क्यों, ये कौन सा इस्लाम है? क्या करे, नहीं जो क्रेजी है परफ्यूम लगाने का वो क्या करे? ऑन द अदर हैंड, नहीं ऑन द अदर हैंड मर्द, यही कुरान कह रहा है और यही सूरा कह रहा है कि मर्द लगा सकता है। हाँ मर्द लगा सकता, यही कुरान लगा सकता है, मर्द लगा सकता। हाँ ठीक है। अच्छा कानून की बात कहें, अब असदुद्दीन नवेसी मुसलमान पाकिस्तान सबको बहुत बुरा लग गया, अरे अरे गेरुआ कपड़ा पहन करके योगी महाराज जी ने इतनी बड़ी बात कह दी, वो तो हिंदू है वो तो काफिर है। भैया जाग जाओ मुसलमानों, जाग जाओ, एनिमीज ऑफ इस्लाम, एनिमीज ऑफ इस्लाम अबू जहल, अबू लहब, हिंद बिंत उतबा, वहासी स्लेव एंड अबू सुफियान ऑफ मक्का, एनिमीज ऑफ इस्लाम। यहाँ तो नहीं लिखा हुआ है, यहाँ तो किसी हिंदू का नाम नहीं लिखा हुआ है, ये तो कुरान कह रहा है एनिमीज ऑफ इस्लाम। तो तुम कौन सा काफिर बोल रहे हो, किसको बोल रहे हो, कहाँ बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो? तुम्हारा कुरान कह रहा है एनिमीज ऑफ इस्लाम के बारे में, इन लोगों का नाम ले रहा है, तो तुम हिंदुओं को काफिर क्यों बोल रहे हो? तुम्हारे कुरान ने नहीं बोला। सही बात है। ये मैं चीज बताती हूँ आपको, नाज़िर जी, जब मैं रोड शो पे जाती हूँ बेसिकली मैं कल जो मैंने देखा, मैं बहुत ज़्यादा डर गई महंगाई, क्योंकि हम कानून पे ऊपर बात आएंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे और शरिया की अगर हम बात करेंगे, अगर मैं इंडिया के मुसलमानों और यहाँ की पॉलिटिक्स क्या है मैं कभी आई नहीं, लेकिन जो मैंने ऑब्जर्व किया है, सियासत को दीन के साथ ऐसा जोड़ दिया है, ऐसा मटेरियल बना दिया है कि मैं कहती हूँ अल्लाह के नबी के नाम पे, खाना काबा मक्का मदीना के नाम पर वोट मांगा जा रहा है लोगों को, जिसे एक्सट्रीम किया जा रहा है। और मैं कहती हूँ कि लोग हमारे माशरे में, ये मर्द हमारे घरों में जाएंगे, ये क्या हाल करेंगे विमेंस का मुझे नहीं पता है, लेकिन शरिया के बगैर मर्द कहते हैं ऐसे जैसे मेरे तन पे कपड़ा नहीं, शरिया के बगैर एक औरत ऐसे जैसे वो आज पैदा ही नहीं हुई, हमारा हर चीज शरिया के अंदर धस चुका है। जैसे योगी आदित्यनाथ की बात, उन्होंने कहा कि कोई शरिया नहीं है, एक कानून चलेगा, तो मुसलमान तो शरिया के बगैर ऐसे जैसे उसने कपड़ा ही नहीं पहना होगा, तो ये भारत के अंदर मुसलमान कैसे चलेंगे? वो तो किसी अंग्रेजी कानून को नहीं मानते, किसी भारतीय कानून को नहीं मानते, उनको तो इंसाफ सिर्फ शरिया में ही दिखता है। अब शरिया नहीं होगा तो मुसलमान कहाँ जाएगा, और वो जो मुस्लिम वक्फ बोर्ड है वो कहाँ पर जाएगा, और ऐसे बहुत से इदारे जो स्पेसिफिकली मुस्लिम लोगों के लिए बनाए गए, अब तो कानून एक आ गया, तो आपने कितने लोगों को बेरोजगार कर दिया ये जरा सोच लें आप, कितने मौलाना को बेरोजगार कर दिया, कितनी ऑर्गेनाइजेशन को बंद कर दिया। किसने कहा कि शरिया लॉ और मुसलमान जो है वो ब्रिटिश को नहीं मानते? ब्रिटिश राज, द ब्रिटिश राज पास्ड शरियत एक्ट 1937 with Jinnah is followed in India in matters related to marriage, divorce and succession among Muslim. 1937 का जो शरिया लॉ बनाया हुआ है, जो आपके पाकिस्तान में और हमारे हिंदुस्तान में चलाने के लिए चूड़ियां तोड़ रहे हैं मुल्ला मौलवी, चूड़ियां तोड़ रहे हैं, अपने सिंदूर उजाड़ रहे हैं, क्यों? इसलिए क्योंकि उनको ब्रिटिश का बनाया हुआ और जिन्ना के कन्फ्रंटेशन से और डिस्कशन से ब्रिटिश और जिन्ना का बनाया हुआ शरिया लॉ ही पसंद है, क्योंकि उसमें महिलाओं को अत्याचार करने की बात कही गई है, क्योंकि उस 1937 के शरिया लॉ में ब्रिटिश और जिन्ना ने महिलाओं को डिप्राइव करना, एड़ियों में कुचलना, महिलाओं को कैद करना, महिलाओं को आवारा बच्चलन बोलना, मुस्लिम महिलाओं के कैरेक्टर को खराब साबित करना, उनको लूज कैरेक्टर साबित करना, यही सारी चीजें लिखी हुई है। इसीलिए मौलवी मुल्लाओं को पसंद आता है, यही वजह है कि मौलवी मुल्ला पसंद करते हैं। आप सोचो अगर कोई मुसलमान मुझे लोंडिया बोलता है तो मैं तो उसके ऊपर आईपीसी की धारा 500 पर मैं केस कर दूंगी, अगर लिख कर देता है तो 501 पे मैं केस कर दूंगी, और कुरान लिख रहा है तो गलत है ना, इसलिए एक कानून की बात कही जा रही है ना। आज एक मुसलमान मर्द मुझे कह दिया ए लोंडिया इधर सुन, तो भाई वो तो कहेगा अरे हमारे इस्लाम में तो प्रॉफिट मोहम्मद लौंडिया बोलते थे, तो मैंने बोल दिया तो क्या हो गया, बट सुनना लौंडिया इट्स वेरी डिफामेटरी ना, इट्स वेरी वल्गर ना। अब मैं आपको बताती हूँ एक और बात,
कुरान में जो ये बार बार ये जो हमारे मौलवी मुल्ला बार बार कहते हैं कि अरे प्रॉफिट मोहम्मद तो ऐसे थे कि उनके ऊपर एक बुढ़िया कचरा फेंक देती थी तो वो नहीं फेंकी तो वो चले गए उसकी उसकी तीमारदारी करने के लिए, वो बीमार हो गई। मुझे बताइए आप पूरा, मैं चैलेंज कर रही हूँ पाकिस्तान के मौलवी मुल्ला और हिंदुस्तान के मौलवी मुल्ला को कि ये बात कौन से सूरह में, कौन सी आयत में और किस चैप्टर में, किस पारा में लिखी हुई है। दिस इज फिक्शन, दिस इज फेक, नहीं है ये झूठी कहानी। मैंने बहुत सर्च किया है, ये झूठी कहानी है। मैंने बहुत सर्च किया है, नहीं मिला कहीं, नहीं मिला ना, क्योंकि ये झूठी कहानी है, नहीं क्योंकि ये झूठ है। ये कहां से आई, किसने डाली, मुझे नहीं पता, लेकिन इसका रेफरेंस कोई नहीं है, नहीं होगा क्योंकि ये झूठी कहानी है। अरे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमेशा जो जो दीन नहीं मानता था उसके मर्डर मर्डर को का ऑर्डर दिया करते थे, उसके मर्डर का ऑर्डर दिया करते थे। हमारे कुरान में है ना अलवला वलबरा, इसका इसका मतलब क्या है, जो खुदा को ना माने उसके साथ पनिशमेंट डेथ पेनल्टी दी जा सकती है, अलवला वलबरा। अभी हम लोग सुनते हैं कुरान का पहला वर्ड इकरा का है,